प्रेम के बोल। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरी राम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का बहुत ही अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन उसकी मजदूरी के बाद ही मिलता। आगे पीछे कोई ना था इसलिए वह इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। हरी राम का दिन उस बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर ख़त्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरी राम ने की थी उससे वह बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरी राम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी। वह हरी राम का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरी राम के बैल के बारे में बातें कर रहा था। हरी राम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह प्यार करता और भले खुद भूखा सो जाए लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन हरी राम ने के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हरी राम तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है इसलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरी राम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल सकता है, कैसे बोल सकता है। तभी अचानक आवाज़ आई, बाबा मैं आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरी राम घबरा गया और उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बात करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को हरी राम भर पेट देता था लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरी राम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। हरी राम ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है, भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है। मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी बार बार आग्रह करने के कारण वह हरी राम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरी राम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने के कारण पूछा। तब हरी राम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा, बोला, हरी राम बैल के साथ रहकर तुम्हारा मति भी बैल जैसी हो गई है। अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहर के लिए तुम्हें अपनी झोंपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरी राम और अधिक डर गया लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरी राम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो हरी राम ही हारेगा। यह सब सुनकर हरी राम को और अधिक डर लगने लगा और उसने नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता हुआ और कहता कि कहां मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सिर की छत से भी जाऊंगा और लोगों को थू-थू होगी वो अलग। अब हरी राम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियां को आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरी राम बैठा। सभी गांव वाले यह नज़ारा देखकर हंस रहे थे और हरी राम को बुरा कह रहे थे। हरी राम ने नंदी से कहा, देख तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसे पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया है। हरी राम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आया।
और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। और इस तरह हरि राम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोंपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हरि राम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरि राम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। यह सुन हरि राम चौंक गया और उसने गुस्से में पूछा कि क्या क्या किया है मैंने, तुम भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी थी और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे भला बुरा कहने लगे। तब मैंने ठानी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा। अब मैं तुमसे फिर से कहता हूँ कि मैं 100 घड़ियाँ खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोंपड़ी और 1000 मोहरे की शर्त लगाना। हरि राम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियां तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर हरि राम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियां खींचने कहता है। और इस बार नंदी यह कर दिखाता है जिसे देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और हरि राम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोंपड़ी और 1000 मोहरे दे देता है। प्रेम के बोल कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में प्रेम से ही किसी का दिल जीता जा सकता है। कहते हैं कि प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाता है, इसीलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।